शैनन थ्योरम जो है, अब इसकी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। शैनन जो होता है ये यूज़ होता है आपके पास नॉइज़ी चैनल के लिए। तो अब हमें ये कुछ गिवन डाटा है, हम इसको इसके अंदर पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। कि सी है, सी इक्वल टू बी लॉग टू वन प्लस एस एन आर बी पी एस, ये इसका फार्मूला है। हमें स्पेक्ट्रम जो गिवन है यहाँ पे 3 MHz एंड 4 MHz, ये लो फ्रीक्वेंसी है 3 MHz, हाई फ्रीक्वेंसी है 4 MHz। एस एन आर डी बी हमें गिवन है 24 dB। तो सबसे पहले हम बैंडविड्थ निकालते हैं इसकी। बैंडविड्थ होता है हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो 4 गिवन है और लो फ्रीक्वेंसी 3 गिवन है। तो आंसर आ जाएगा 1 MHz, ये हमारे पास आ गई बैंडविड्थ। अब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे। तो फार्मूला में है 1 प्लस SNR, हमारे पास गिवन है SNR dB। सबसे पहले हमें SNR निकालना है। तो SNR का फार्मूला होता है SNR dB इक्वल टू 10 log 10 SNR, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ से हमने SNR निकालना है। SNR dB हमें गिवन है, तो हम इसको पुट करते हैं। इसकी वैल्यू है 24, ये है 10 log 10 SNR। इस 10 को इस तरफ लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 2.4। इसको जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 2.4 आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा log 10 SNR। अब हमने ये लॉग इधर से ख़त्म करना है, तो ये इस तरफ जाएगा तो ये इसकी बेस है, ये इधर लिखेंगे और ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा SNR। ये तकरीबन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 251 की इक्वल आ जाएगा हमारे पास SNR। ये हमने आंसर इसका निकाल लिया। फिर उसके बाद हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास जो सी था वो बी था, बी हमारे पास गिवन है 1 MHz, ये लिख लिया, और log 2 वन प्लस SNR। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log 2 वन प्लस SNR, SNR ये आ चुका है 251। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब log 2 इसका लेंगे 252 का, तो ये तकरीबन 8 के इक्वल आएगा। 1 × 8 आंसर आ गया 8 MHz की कुल। तो ये हमने निकाल लिया सी चैनल कैपेसिटी, सी निकाल लिया। ये हमने निक्वेस्ट सॉरी यहाँ पे हमने यूज़ किया शैनन थ्योरम को, और इसके ज़रिए हमने ये निकाल लिया, इसकी कैपेसिटी हमने चैनल की निकाल ली है शैनन के ज़रिए।